आज की रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ बच्चों के मनपसंद है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। आज मैं मोमोस बना रही हूँ और इसमें अपनी मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं। एक बार इस तरीके से घर पर बनाकर बच्चों को खिला देंगे तो कभी भी मार्केट से नहीं ले आएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए डो लगाकर तैयार करेंगे। आज मैं गेहूं का आटे बनाऊंगी, तो मैं 1 कप भर के गेहूं का आटा ले ली हूँ और इसे छान ली हूँ। थोड़ा सा जगह बना दे रही हूँ। इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच भर के तेल, छोटा चम्मच है, और नमक आधा चम्मच, ये अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से मिला दे रही हूँ इसे। आज मैं गेहूं का आटा बना रही हूँ। जो मार्केट से ख़रीदते हैं, खाते हैं बच्चे, वो मैदा से बनता है। आप चाहें तो मैदे से ही बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा हेल्दी होता है। इस आटे को लगाने के लिए एक ट्रिक होता है। इस ट्रिक से आप आटा लगाएंगे तो आपका मोमोस बहुत ही बढ़िया बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छे तरीके से मस लें। थोड़ा टाइट आटा लगाएं, इस तरीके से टाइट आटा रहेगा तो मोमोस बहुत बढ़िया बनेगा। जितना पतला चाहेंगे उतना पतला बेल सकते हैं। इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 कप आटे में आधा कप पानी लगा है। मैं गैस पे पैन रख ली हूँ। इसमें 1.5 चम्मच तेल डाल दी हूँ, आधा चम्मच जीरा डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा तड़कने दे रही हूँ। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, इसीलिए ज़्यादा हेल्दी होता है और तेल भी बहुत कम लगता है। और अदरक 1 चम्मच, 7-8 लहसुन की कलियाँ जो मैं बारीक काट ली हूँ। आप चाहें तो जो सब्जियां मैं हल्का सा नरम कर रही हूँ पकाकर, नहीं पकाएं ऐसे डालेंगे तब तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 हरी मिर्च डाल दी हूँ मैं। अब थोड़ा से मसाले भुन गए हैं। 1 छोटी गाजर और 1 प्याज, आधी कटोरी में पत्ता गोभी काट ली हूँ और आधा शिमला मिर्च। ये सब्जियां पहले अच्छे तरीके से धोकर मैं बारीक काट ली हूँ। इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। चाहें तो मसाला मिलाकर ऐसे ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नरम कर ले रही हूँ ताकि बच्चे खुश हो जाएं, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इसमें आधा चम्मच नमक डाली हूँ, 2 चम्मच बारीक कटी हरी धनिया डाल दी हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हल्का सा सब्जियाँ नरम हो जाए, अच्छे तरीके से पकाना नहीं है, सिर्फ नरम हो जाए। और गरम मसाला आधा चम्मच, 1 चम्मच चाट मसाला डाली हूँ अच्छे टेस्ट के लिए। बस इतना ही मसाले डालूंगी इसमें ताकि हेल्दी बने। सब्जियां नरम हो गई हैं, थोड़ा कम भी हो गई हैं। जब पकती हैं हरी सब्जियां तो कम हो जाती हैं। एक बर्तन में निकाल ले रहा हूँ, इसे ठंडा होने देंगे। अब आटा रखे 20 मिनट हो गया। थोड़ा सा मसल ली हूँ, छोटी छोटी सी लोई लेकर पूरी की तरह बेल लूँगी। 3-3.5 इंच के लगभग बेल लूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बेलना है, लोई छोटी लेंगे। और आटा अगर थोड़ा सा टाइट लगाएंगे ना तो एकदम पतला बेल पाएंगे। मोमोस जो बनता है बहुत ही पतला बनाते हैं, इसीलिए लोग मैदे से बनाते हैं ताकि उसे एकदम पतला बेलकर उसमें भरें। तो आप गेहूं का आटा से बनाएंगे, थोड़ा सा आटा टाइट लगाएंगे, अच्छे तरीके से मसल कर बनाएंगे, आटा एकदम चिकना कर लेंगे। तो जितना पतला चाहेंगे उतना पतला इसे भी बेल सकते हैं मैदे की तरह। थोड़ा सा चकले और बेलन में तेल लगा ली हूँ। अब मैं इसे बेल ले रही हूँ। आटा थोड़ा सा टाइट लगाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं, एकदम आसानी से इसे बेल सकते हैं। और जितना पतला हो सके उतना पतला इसे बेल लें। एकदम पतला बेलेंगे तो मोमोज बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो सेम तरीके से पहले मैं बेल कर रख ले रही हूँ, इतना बड़ा मैं बनाई हूँ। ऐसे बना सकते हैं। इस तरीके से एक बार मोमोज बनाकर बच्चों को खिला देंगे ना तो मार्केट से लाना ही भूल जाएंगे। बड़े भी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग हेल्दी सब्जियां डालते हैं और ताज़ी सब्जी रहती है, तो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और जो सब्जी बच्चे नहीं खाते हैं ना वो भी सब्जी इसमें डालेंगे तो बहुत प्यार से खा लेंगे। अब मैं बेल ली हूँ, 4-5 पहले मैं बेल कर रख ली हूँ। और जो मैं ये तैयार करके रखी हूँ सब्जियों वाला मसाला डाल दे रही हूँ, लगभग 1.5 चम्मच डाल दे रही हूँ। जितना आ जाए आसानी से उतना डालें। बहुत ही हेल्दी सब्जियां होती हैं, इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व तो पाए जाते हैं। पहले मैं इस तरफ से पकड़कर ऐसे फोल्ड कर दे रही हूँ। ये मोमोज कई तरीके से फोल्ड किया जाता है, 3-4 तरीके से बनाया जाता है। आप जैसे पसंद करें वैसे बना लें। मैं 1-2 तरीका आपको बता दे रही हूँ। एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट ऐसे लगाते जाएँ, इस तरीके से अलग ना लगाएँ, एकदम पास में लगाएँ, फिर इधर से पकड़कर सामने से ऐसे चिपका देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो एक तरीका मैं आपको और बता दे रही हूँ। अच्छे तरीके से चिपका दें, इसमें खुलने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम स्टीम करेंगे।
अगर पानी में इसे उबाल दे तब थोड़ा सा खुलने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम इसमें भी 1.5 चम्मच डाल देंगे। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहें तो इस पूरी को बड़ा बेल लें और ज़्यादा डाल लें। सेम तरीके से इसे भी फोल्ड करेंगे, एक प्लेट के ऊपर दूसरा लगाते जाएंगे। ऐसे इसे पोटली की तरह बना लें। बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कैसे भी बना लें, स्वाद में नहीं अंतर होता है। उसके बाद ऐसे ऊपर से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद ऐसे घुमा देंगे। चाहे तो इस आटे को निकाल लें जो पकड़ के मैं घुमा रही हूँ, या तो ऐसे चिपका दें, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सेम तरीके से सारा बनाकर मैं तैयार कर ले रही हूँ। सारा बन भी गया है हमारा और मैं एक प्लेट में लगा दे रही हूँ। पहले इसमें तेल लगा दे रही हूँ। ये जाली वाला प्लेट है, छन्नी की तरह है, इसमें थोड़ा जल्दी पक जाता है। तेल लगा देने से बहुत आसानी से छोड़ देता है, चिपकता नहीं। वैसे जब पक जाएगा मोमोज तो चिपकता नहीं। अभी मैं आगे दिखाऊंगी। एक ही में सटा कर रख दे रही हूँ, चिपकने का कोई दिक्कत नहीं है। पकने के बाद बहुत आसानी से छोड़ देता है। आप चाहें तो मैदे से बना सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा हेल्दी होता है इसलिए बनाए हूँ। ऐसे प्लेट में भी बना सकते हैं तेल लगाकर, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा बस। मैं कढ़ाई में 2 ग्लास पानी रखी हूँ, पानी में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद ही इसके ऊपर बर्तन रखें जिसमें पकाना हो। अब मैं इसे कवर कर दे रही हूँ 10 मिनट के लिए। बहुत आसानी से पक जाएगा 10 मिनट में। 10 मिनट हो गया है, मैं टच करके देख रही हूँ। हाथ से टच करने पर ये टूटता नहीं है। अगर पक जाता है तो टूटता नहीं है, देखें ऐसे टच करेंगे तो। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ, ठंडा होने दे रही हूँ। तब तक मैं इसके लिए चटाकेदार चटनी तैयार कर ले रही हूँ। जो चटनी आपको पसंद हो वही चटनी बना सकते हैं। एक छोटे साइज के टमाटर काट ली हूँ छोटे टुकड़े में, 3 चम्मच रोस्टेड मूंगफली डाल दी हूँ। आप इसमें भुना हुआ चना भी डाल सकते हैं। 1 इंची अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियाँ डाल दे रही हूँ। अगर आप लहसुन प्याज ना खाते हो तो ना डालें। और इसमें मैं एक हरी मिर्च तोड़ के डाल दे रही हूँ। आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला डाल दी हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस ले रही हूँ। ये मोमोज खाने में टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे। चटनी भी हमारी तैयार हो गई, एक बर्तन में पलट ले रही हूँ। आप अपनी मनपसंद चटनी बना सकते हैं, जो चटनी आपको पसंद हो। ये भी चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। चाहे तो आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं और भुना हुआ चना भी डाल सकते हैं। जो समय से उपलब्ध हो डाल दें। अब मोमोस भी ठंडा हो गया है, इसे मैं एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे एक भी नहीं चिपका है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद निकालेंगे ना 5 मिनट के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हेल्दी और टेस्टी मोमोस तैयार हो गया। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो अपने फैमिली और मित्रों में ज़रूर शेयर कर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़। मैं आप सबसे अपील कर रही हूँ। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है। इसमें हेल्दी सब्जियाँ डाली हूँ। इन सब्जियों में बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स भी पाया जाता है। बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे। एक बार आप बना कर देखें, बाज़ार से लाना भूल ही जाएंगे। एक बार इस तरीके से आप बना के खिला देंगे तो।